आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन। आज हम आपको बताने वाले हैं जो एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन है, यह एडब्लू पंप और एडब्लू से SCR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेंसर्स हैं उसको टेस्ट करके बताता है कि किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। तो गाइस हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे पास में अपना एल्बोनियर आइशर टेक्नोलॉजी आइशर गाड़ी के अंदर ये पंप यूज़ होता है और इस पंप को हम टेस्ट करके कुछ वैल्यूज और कुछ चीज़ें हम टेस्ट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ही वर्किंग करता है। सबसे पहले तो हम इसको ऑन करते हैं एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन्स। इसके अंदर भारत बेंज, टाटा, अशोक लीलैंड, आइशर, इन सभी ब्रांड के अंदर लगने वाली टेक्नोलॉजी के पंप सारे पंप इस मशीन से टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इस मशीन को हमने ऑन किया है। ऑन करने के लिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारे पास अल्बोनियर का एडब्लू पंप है जो कि आइशर गाड़ी में लगा हुआ है, आइशर 8049 प्रो, ये आइशर की गाड़ी में लगा हुआ है। और एल्बोनियर के पंप अशोक लीलैंड में भी और भी बहुत सारी गाड़ियों में लगा हुआ है, लेकिन हमें इस एम्प्रो डोजिंग टेस्टिंग मशीन्स के अंदर हम इन पंप की कंपनियों के नाम इसमें मेंशन हुए हैं, ना कि ब्रांड के कौन से ब्रांड में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले ओपन हुई है और यहाँ पे SCR डोजिंग टेस्टिंग सिस्टम शो हो रहा है। इसके बाद आप ये देख लीजिए यहाँ पे यूरिया पंप टेस्ट और सेंसर टेस्ट। तो यहाँ पर हम आपको पंप के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बॉश, कमिंस, टेनिको, अल्बोनियर, एमिटिक और अदर पंप में भारत बेंज और बहुत सारे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे पंप इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर हम बैक जाएंगे और यहाँ पे सेंसर भी आप देख सकते हैं, नॉक सेंसर 24 वोल्ट, नॉक सेंसर 12 वोल्ट, टेम्परेचर लेवल सेंसर एडब्लू का और एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर, ये भी आप इस मशीन के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अभी हम अल्बोनियर का पंप चेक करेंगे जो आइशर गाड़ी में लगा हुआ है। इस पंप के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट किया है, जैसे ये केबल्स हैं, ये केबल्स आपको बहुत सारी केबल्स आती हैं हर पंप को चेक करने के लिए, अलग अलग केबल्स आएंगी, वो आपको किट में मिलेंगी। तो अभी ये केबल्स में जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर टैग लगी होती है, एयर वाल्व्स हो गया अपना, यहाँ पर हीटर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, यहाँ पर अपना एडब्लू प्रेशर सेंसर हो गया, एडब्लू टेम्परेचर सेंसर का इधर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी के हिसाब से ये हम इसमें कनेक्टर कनेक्ट कराएंगे, उसके बाद हम इसको एडब्लू सिस्टम को चेक करके हम बताएंगे कि ये पंप सही है या गलत है। तो अभी कनेक्टर फिटिंग हो रहा है। ये जो है हमारा एयर प्रेशर मैग्नेटिक वाल्व है, इसका हम ये कनेक्शन कर रहे हैं और इसको जो है प्रॉपर सही से लॉक करना है, जो कि इसका लॉक ख़राब ना हो। ठीक है, ये लॉक हो गया है। उसके बाद हम ये लगाएंगे, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट जो कि हमारा ये रहा, इसको भी हम प्रॉपर सही से लॉक कर देंगे, ये लॉक हो चुका है हमारा। उसके बाद अब ये हम करेंगे इसको, एयर प्रेशर सेंसर का कनेक्टर है ये, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे साइड में और इसको भी जो है लॉक कर देंगे। अभी ये जो बचा है जो आप देख सकते हैं इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है, ये हमारा जो है यूरिया पंप का कनेक्शन है और इसको भी हम सही से कनेक्ट कर देंगे। अब ये लास्ट बचा है हमारा जो कि एडब्लू प्रेशर मेजर करके बताएगा कि कितना प्रेशर है। ये सारे कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं, अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया है कि अब्बास ने कि इस तरीके सारे कनेक्टर फिटेड हो गए हैं। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये इनलेट पोर्ट हो गया है, यहाँ पे इसका आउटलेट पोर्ट है, यानी कि यहाँ से एडब्लू आएगा और यहाँ पर एडब्लू निकलेगा। अभी वो एडब्लू अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको इस मशीन के थ्रू आपको दिखा देंगे। जैसे हमने ये पंप टेस्ट करना है तो यहाँ पर देखिए करीब से कमिंस, टेनिको, अल्बोनियर, एमिटिक और अदर। तो हमें अल्बोनियर के नाम से ये पंप है, तो यहाँ पर अल्बोनियर BS4 और अल्बोनियर BS6, ये दो टाइप दो इमिशंस के पंप इसमें ऐड हुए हैं। तो अल्बोनियर BS4 के पंप में हम जाएंगे, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया है, इसका खास तौर से ध्यान रखना है।
उसके बाद अगर सब कुछ ओके है तो ओके कर देना है आपको। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर सेंसर ओपन लोड। तो अभी ये सॉकेट देखना पड़ेगा कि कुछ प्रॉपर सॉकेट लगा हुआ है या नहीं है। एक बार अगर कोई भी सेंसर्स का रीडिंग सही नहीं आएगा, ये तो पर इसको मेन्यू को स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर सेंसर ओपन लोड, यानी कर सकते हैं कुछ आवाज आएगी। देखो यहाँ पे आवाज आ रही है मोटर की, इस तरीके से मोटर की आवाज आएगी। टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर रीड किया था, तो ये इस तरीके से आपने मोटर की आवाज सुनी है। अभी टेम्परेचर सेंसर ओपन लोड, तो टेम्परेचर सेंसर इसका खराब हो रहा है, वो टेम्परेचर सेंसर हम सुबह मॉर्निंग में रिप्लेस करने के बाद उसके बाद ये फोर्ड को चला जाएगा और ये पंप वर्किंग करेगा। जब हमने पंप को भी टेस्ट किया, आपने देखा साउंड आई है, तो इस तरीके से एडब्लू पंप को टेस्ट करने का यह प्रोसेस प्रोसेस इस तरीके से है। और आपको अगर आप ये मशीन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। और इस मशीन्स को यूज करने के साथ साथ आपको मैनुअल्स मिलेगी यूज करने के लिए कि इस मशीन्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।